पहला सवाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लाइट कब कटेगा? दूसरा सवाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस कैसे चेक करें? तीसरा सवाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करने के बाद लाइट कितने देर में आ जाएगी? अंतिम स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कैसे करेंगे? नमस्कार, टेक्निकल हेल्पिंग केशव चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको चारों सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसा कि पहला सवाल था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में लाइट कब कटेगा, तो इसका आंसर यही है कि आपका अगर मीटर लगा हुआ है और कंटिन्यू 3 दिन तक माइनस में दिखाता, वो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, 3 दिन तक अगर वो 1 रुपया माइनस में रहेगा तो वो लाइट ऑटोमेटिक कट जाएगा। जैसे कि आप कैसे बैलेंस चेक करेंगे, दूसरा सवाल ये था। तो सबसे पहले आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को आपको ओपन करना होगा। अभी आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, साइड में दिख भी रहा होगा आपको। ओपन कर जैसे ही आपको उसको ओपन करिएगा, वहाँ पे यूजर और आईडी का पासवर्ड मिलेगा, यूजर नेम और आईडी का, वो विदाउट लॉगिन किए हुए आपको चेक कैसे करना है। तो नीचे पे और रिचार्ज का ऑप्शन है, उसको आपको क्लिक करना है। उसको जैसे ही क्लिक करिएगा, फिर आपको कंज्यूमर नंबर आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपको सीए नंबर अपना डालना होगा जो बिजली बिल के ऊपर लिखा रहता है, जो कि मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। उसको जैसे ही डालिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा नीचे नेक्स्ट का होगा, उसको नेक्स्ट कर लीजिएगा और आपको आपका करंट बैलेंस वहाँ दिख जाएगा। क्वेश्चन था कि रिचार्ज करने के बाद लाइट कितने देर में आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप रिचार्ज करेंगे मैक्सिमम 1 घंटे का समय लग जाता है। वैसे तो जैसे ही अपडेट आपका बैलेंस होता है, रिचार्ज होने के तुरंत बाद भी लाइट आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा मानकर चलेंगे। जैसा कि चौथा और अंतिम प्रश्न था कि आप अपना मीटर को रिचार्ज कैसे करेंगे, तो अभी जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। बिना लॉगिन किए हुए ये सब आपको ये प्रोसेस बतला रहा हूँ। आगे का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपना पूरा डिटेल्स जांच सकते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले फिर से मैं वही बताना चाहूँगा कि बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और उसे ओपन करना होगा। फिर से आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ओपन करिएगा तो उसमें सेम प्रोसेस है, रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है नीचे। जैसे अपना सीए नंबर डालिएगा, सीए पेबल रिचार्ज के बाद सीए नंबर डालिएगा और नेक्स्ट में जाइएगा, तो यहाँ आपको कुछ अमाउंट भी दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ क्या अमाउंट दिख रहा है इसमें, ये नेक्स्ट किए हम। नेक्स्ट करने के बाद करंट बैलेंस समथिंग 1000 दिख रहा है, फिर नाम भी दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी ऑप्शन दिया गया है। तो जरूरी है कि एक मोबाइल नंबर दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका वो बिजली बिल में रजिस्टर्ड नंबर ही हो, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं इसमें। और उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा ऊपर है, आप चाहे तो दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। और कितने का आपको रिचार्ज करना है वो रिचार्ज अमाउंट यहाँ एंटर करके देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है रिचार्ज, वहाँ जाइएगा। जैसे ही उसको क्लिक करिएगा तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन मिलेगा जिसमें क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा और इंटरनेट बैंकिंग। ये 3 तरह से आप खुद से बैलेंस को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट बिजली ऑफिस में जाके भी कैश काउंटर के पास रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी जैसे पेटीएम और गूगल पे और इस माध्यम से अभी ये फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में ये भी फैसिलिटीज उपलब्ध। जैसा कि चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिल गया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बिजली से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या आपको हो रही है, अगर उससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख सकते हैं, आपकी जरूर आपको हेल्प मिलेगी उससे संबंधित। और साथ में बताना चाहूँगा, इस चैनल को बनाने में बहुत मेहनत
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब चैनल को करें, और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर बिजली से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या अगर हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। मैं कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर देने का प्रयास करूँगा, और अगर ऐसा हमको लगेगा कि उससे ऊपर एक वीडियो भी बनना चाहिए तो वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।